मेंबरशिप ड्राइव जो है उसकी शुरुआत आज इस भव्य प्रांगण से ही आपके गुड़गांव से हो जाएगी और अगले एक महीने में 1,00,000 सदस्यों का जो एक बड़ा मिशन इंसों ने लिया है, मैं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत इंसों के हमारे वीर सिपाहियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस मिशन को ना केवल पूरा करेंगे बल्कि इस मिशन से कई आगे बढ़ करके स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच पर चलकर युवाओं के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म कायम करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो जो मेंबरशिप का फॉर्म और उसकी जो फोटो ऑप है वो लास्ट में हो जाए, उससे पहले कुछ अन्य मुद्दे ले लें। एक जो हमारे LSE का इशू आया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, शायद करण कटारिया नाम है, गुड़गांव से संबंध रखने वाला विद्यार्थी है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज सुबह से हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार डेमोक्रेसी की जहां बात होती है और जो विश्व को डेमोक्रेसी सिखाने की चर्चा करते हैं वो लोग ही डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार, देश की सरकार, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इस पर संज्ञान लेगी। ना केवल हिंदुस्तान से एक बड़ा संदेश जाना चाहिए बल्कि हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारे लाखों विद्यार्थी आज विदेश में पढ़ रहे हैं और अगर एक की आवाज़ को हमने दबने दिया तो आने वाले समय में हमारे भविष्य को दबाने का एक बड़ा प्रयास होगा विदेशों के अंदर। इसलिए ये चाहे इसको कोई भी नाम दे रहे हों, चाहे कोई हिंदुइस्ट कहता है, कोई इस्लाम फोबिया कहता है, कोई कुछ भी कहता है, मगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की हत्या के तौर पर देखता हूँ। किसी का हिंदू होना, किसी का सिख होना, किसी का मुस्लिम होना या किसी का किसी रिलीजन से संबंध रखना, उसके चुनाव लड़ने से उसको नहीं रोका जा सकता। और ये चीज़ें क्योंकि हमने अडॉप्ट करी हैं उस देश से और आज देश में ऐसा हो रहा है तो हमें एक सख्त संदेश भेजना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हम उनके परिवार के साथ हैं, हम उस नौजवान के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि उसको जस्टिस होगा और वो चुनाव लड़ पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जाकर के एक बात कह रहे हैं कि हमने जननायक जनता पार्टी को, जो कहते थे कि यमुना पार ले जाएंगे या और अन्य विषय पर, और वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए और ज़्यादा उनके जो लाडले बेटे हैं जींद में, हिसार में, अन्य क्षेत्रों में, मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई कोरा झूठ बोल सकता है, कैसे सरेआम कोई झूठ बोल सकता है। और आज ये मेरी इच्छा नहीं थी मगर मुझे कंपेल किया कि आज उन तमाम बातों को आपके सामने रखूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको उसके बाद चलाऊंगा, अगर 2 मिनट मेरी बात पे गौर करें। और भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये फैसला ले कि हम किसके साथ जाएं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, निशान सिंह जी मुझे परमिट करें, उस समय इस मैन मौजूद नहीं था मगर ये मौजूद थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया, क्योंकि उन तक ये बात ले जाई गई, उनका ये फैसला आया कि 3 बड़े विषयों पर, 5100 पेंशन, महिला को 50% आरक्षण और तीसरा हमारा 75, यानी मेन मुद्दा दुष्यंत चौटाला जी का जो था, इन तीनों पर जो भी पार्टी सहमत होगी, ये तीनों मुद्दे हैं हरियाणा के हित के मुद्दे, हरियाणा के भविष्य के मुद्दे, हरियाणा में इक्वालिटी के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे, नौजवानों को आगे बढ़ाने के मुद्दे, हरियाणा के हित में, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और ये तो है नहीं कि दोबारा चुनाव में जाया जाए, एक अलग बोझ जनता पर डाला जाए। ऐसे में इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट में 10 सीटें जो हरियाणा की जनता ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को आशीर्वाद स्वरूप दी है, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिन पे इन मुद्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा करके जमीनी हकीकत बनाया जाए।